हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन मेट्स। आज मैं आपसे अपने गार्डन को रेनी सीज़न के टाइम में कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए, स्पेशली ऐसा गार्डन जो बालकनी या रूफटॉप में होता है, जिसमें मैक्सिमम प्लांट्स हमारे पॉट्स में होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मानसून के टाइम में इंसेक्ट्स भी पनपते हैं, बहुत सारे पॉट्स में पानी जमना शुरू हो जाता है, तो प्लांट का रूट रॉट का प्रॉब्लम्स होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले टिप बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका कभी भी सॉइल का जो मिक्सचर होना चाहिए वो 80% गार्डन सॉइल के साथ ऑलमोस्ट 20% सैंड होना चाहिए। तो अगर ऐसा मिक्सचर होगा तो आपका मैक्सिमम प्लांट्स में पानी नहीं जमेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पानी नहीं जमा है, खाली बारिश में भीग के ऊपर का सॉइल वेट हो गया है, बट वाटर लॉग नहीं है। बट जैसे आप देख सकते हैं इसमें वाटर लॉग्ड हो गया है। तो अब जो वाटर लॉग्ड हो जाता है, इसका एक और रीज़न है कि अगर आपका सॉइल मिक्सचर अच्छा नहीं है, या फिर अगर आपका सॉइल मिक्सचर अच्छा है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है आपके पास, तब भी पानी जम रहा है, तब उसका सेकंड रीज़न है कि आपका ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गया है। तो उसके लिए सेकंड टिप ये है कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, सबसे पहले पानी तो बहा दीजिए और आप इसका ड्रेनेज होल चेक कीजिए। तो ड्रेनेज होल चेक करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर या ऐसी कोई भी एक चीज़ लीजिएगा, जिसको आप यहाँ ड्रेनेज होल में डाल के आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टोन है, एक पत्थर है जो यहाँ रोक लिया है। तो हम इसे थोड़ा सा पुश करेंगे और स्क्रू ड्राइवर को अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे ताकि ड्रेनेज होल ओपन हो जाए। तो ये देखिए, पूरा सा स्क्रू ड्राइवर अंदर चला गया है, यहाँ का ड्रेनेज होल थोड़ा सा ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पे भी एक, देखिए यहाँ आराम से चला गया, यहाँ भी आराम से चला गया, और एक बार नीचे का ड्रेनेज होल भी चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हमारे ड्रेनेज होल को ओपन कर लेना है। और अभी जैसे इस प्लांट में पानी जम गया है, तो मैं अभी इसे ओपन में नहीं रखूँगा, मैं इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में लेके आ जाऊँगा। तो ये थी दो टिप्स। सबसे पहले कि सॉइल कंपोजिशन में सैंड होना चाहिए जो पानी बहा दे, और सेकेंड है कि अगर सॉइल वेल ड्रेन्ड है तो नीचे का होल चेक कीजिए। इसके अलावा आप ड्यूरिंग द रेनी सीज़न आप इसमें प्लांट्स में बिल्कुल भी पानी मत दीजिए, जब तक कि ऊपर का टॉप लेयर फुल्ली ड्राई नहीं हो जाता है, रॉक हार्ड नहीं हो जाता है, या फिर आपके कोई जो लीव्स है, स्पेशली जो लीव्स है, जैसे इस प्लांट की जो लीफ है यह भी अच्छी है, तो ये ड्रूप हो जाती है, झुक जाती है पत्तियाँ कुछ इस तरह से, जब ऐसा शुरू हो जाए तब भी आप इसमें पानी दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक और अपना प्लांट दिखाता हूँ। तो जैसे ये मेरा प्लांट है, डेजर्ट रोज़ है, तो ये इस टाइप का प्लांट को ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक हम इसे वाटरिंग करते हैं। इसे ज़्यादा वाटर पसंद नहीं है, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से सॉइल भीग चुकी है और काफ़ी अंदर में काफ़ी पानी भी है, तो अभी मैं इसे एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स में से पानी नहीं दूंगा और इसे शेड में भी शिफ्ट कर दूंगा। तो हमारी ये तीसरी टिप थी कि मॉनसून के समय में आप जब तक ऊपर की सॉइल टॉप लेयर ड्राई आउट नहीं हो जाती है, आप तब तक प्लांट में पानी मत दीजिएगा, या फिर जब आपके लीव्स ड्रूप होना शुरू नहीं हो जाते हैं। और ये रेनी सीज़न में एक और प्रॉब्लम्स होती है प्लांट में, कीड़े पनपने लगते हैं, इंसेक्ट्स पनपने लगते हैं। तो मैं आपको एक अपना भिंडी का प्लांट दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए ये प्लांट कितना हेल्दी प्लांट है, इसमें ऑलरेडी एक भिंडी लगी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कीड़े हो गए हैं। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं इसके नीचे में वाइट वाइट रंग के कीड़े हुए हैं, ये एम्फिड्स है। ये देखिए लीफ के नीचे भी देख सकते हैं ये वाइट वाइट रंग के कुछ कीड़े हैं। तो ये जो एम्फिड्स होते हैं ये पूरे प्लांट के लीव्स को भी खा जाते हैं, फ्लावर्स को भी अफेक्ट करते हैं, और इवन फ्रूट्स को भी। तो इस टाइम में हमें एक इंसेक्टिसाइड देना है
जो आप 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 कैप ऑफ नीम ऑयल के साथ 1 कैप ऑफ माइल्ड सोप सॉल्यूशन मिक्स करके आप इसे स्प्रे कर दीजिए, तो ये इनफ रहेगा। और आप ये जब भी स्प्रे करें तब आप देखिए, जैसे अभी बारिश हो रही है तो अभी मैं इसे स्प्रे नहीं करूँगा क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है। मैं इसे या तो शेड में लेके जाऊँगा और मैं इसे स्प्रे करूँगा, या फिर अगर बारिश रुकने का इंतज़ार करूँगा, जैसे वो पीछे में मेरे भिंडी के जो पौधे हैं मैं उसे बारिश में है, मैं उसे शेड में नहीं ले सकता हूँ, तो जब बारिश रुकेगी तो मैं उन्हें तब स्प्रे करूँगा। तो हमें जब स्प्रे करना है उसके लिए एक टिप ये है कि हमें कुछ ऐसे स्प्रे नहीं करना है इसके ऊपर में, हमें इसके नीचे स्प्रे करना है जहाँ एम्फिड्स है, प्रॉपर प्लांट नीचे की तरफ से स्प्रे करना है। जैसे ये एक छोटा प्लांट है तो मैं इसे ऐसे उल्टा के स्प्रे कर सकता हूँ, बट वो बड़ा प्लांट है उसे उल्टा नहीं सकते हैं, तो उसे नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ स्प्रे करेंगे और इसी तरह से हम अपने प्लांट को बचा पाएंगे। मैं आपको बड़ा वाला प्लांट भी दिखाता हूँ। ये मेरा भिंडी का पौधा है, ये बड़े से एक कंटेनर में लगा हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे ये बड़ा सा एक कंटेनर में लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें वेजिटेबल अभी आना शुरू हो गया है। वो इसमें आप देख सकते हैं उसमें ऑलरेडी एक वेजिटेबल आया हुआ है। तो ये प्लांट मैं अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसे यहीं पर स्प्रे करूंगा, लेकिन अभी बारिश हो रही है, बारिश रुकने के बाद। ये देखिए, ये मेरा एक रेन लिली का पौधा है जिसमें इस तरह के कीड़े पैदा होने लगते हैं अचानक से। ये वर्म्स को निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया है, ओनली नीम ऑयल का स्प्रे किया है, जिसके वजह से ये सारे वर्म्स मर गए हैं। अभी भी कुछ है, अभी भी मैं बारिश हो गई अचानक से, तो मैं इसे 1-2 दिन बाद मैं फिर इसे नीम ऑयल से पूरा स्प्रे करूँगा। ये देखिए, ये एक और प्लांट था मेरा लेन लिली का, ये देखिए अभी नए नए शूट्स आना शुरू हो गए हैं, ये मैंने कटिंग किया था। और देखिए इस तरह के वर्म्स क्या होते हैं ना कि अचानक से पॉट से निकल के बाहर भागने लगते हैं, दूसरे पॉट्स में जाने लगते हैं। ये देखिए, ये ज़मीन में रेंगते हुए चले जा रहे हैं, ये दूसरे पॉट्स में जाके दूसरे प्लांट्स में हमला कर सकते हैं। तो बारिश में इस तरह के बहुत सारे कीड़े होते हैं, लेकिन बारिश में एक और कीड़ा बहुत अच्छा कीड़ा पैदा होता है, वो है अर्थबॉम्स। अर्थबॉम्स की भी पैदाइश इस बारिश में बहुत होती है, तो आप कभी अर्थबॉम्स देखेंगे अपने पॉट में या अपने किसी प्लांट में, तो आप उसे अर्थबॉम्स को मत फेंकिएगा। आप अर्थबॉम्स अगर कहीं बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत वो खाली वो सॉइल को अंदर जाके सॉइल को अच्छा एरेटेड भी कर देते हैं, और वो काफ़ी हद तक सॉइल का पीएच भी बढ़ाते हैं। तो अर्थवर्म्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, बाकी ये सब आपके प्लांट्स को बहुत नुकसान देते हैं और दूसरे भी प्लांट्स में जाके ये आपका अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि कभी भी आप जैसे प्लांट्स अगर कुछ इस तरह के आप सैक में अगर प्लांट करते हैं, अगर कोई प्लांट जैसे ये मेरा पोमोग्रेनेट का प्लांट है, मैंने इसे सैक में रखा है, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसमें मल्च देते हैं या कुछ ऐसा देते हैं तो इसमें फंगस पनपने लगता है, मशरूम्स होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें रेनी सीजन में आफ्टर एवरी 15 डेज हमें फंगीसाइड ऊपर से आप लिक्विड में मत दीजिएगा पानी में, क्योंकि ऑलरेडी मानसून का टाइम है, बारिश का टाइम है, ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, तो आप सिर्फ पाउडर को ऊपर से छिड़क दीजिएगा मिट्टी के ऊपर में। इससे आपके मिट्टी में मशरूम्स या किसी भी टाइप का फंगस पैदा नहीं होगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप जैसे इसमें देख सकते हैं, ये एक लेमन का प्लांट है, इसमें ये देखिए ये अभी मैंने आपको दिखाने के लिए इसको साफ़ नहीं किया है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये तो तुलसी है, ये तो अच्छा प्लांट है, घास हो गए, ये अनवांटेड प्लांट्स है, ये सॉइल का न्यूट्रिएंट्स भी खा जाते हैं और इनसे भी वाटर लॉग्ड होने लगता है, क्योंकि सॉइल ये लोग पैक कर देते हैं, तो इसलिए वाटर लॉग्ड भी होने लगा है। आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा सा वाटर लॉग्ड होने लगा है। तो आप जब भी ऐसा टाइम आए तो आप ये वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स है,
मेन प्लांट से अलग कर दीजिए। मैं ये आपको दिखाने के लिए रखा है, मैं इसे पूरी तरह से क्लीन कर दूंगा। बस कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ जाके इस तरह से आपको सारे घास को इस तरह से टान लेना है। टान के इस तरह से आपको अनवांटेड जो भी घास है उसको फेंक देनी है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कटिंग्स है या सैपलिंग्स है या सीडलिंग्स, नए सीडलिंग्स ग्रो हो रहे हैं, तो उन्हें आप एक शेडी एरिया में रखिएगा, जहाँ पे बारिश या हैवी रेनफॉल उसे ना अफेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स है कोलियस के, मनी प्लांट, ये मोगरा का है और ये एलिमेंडा का है, तो ये सब मैंने यहाँ एक शेड में रखा है और इसे बारिश से बचा के रखा है। इसे जैसे हम लोग क्योंकि ये अभी बहुत नाजुक है, इसमें जस्ट रूट्स आए, ये सारे एक महीने वन मंथ हुए हैं और इसमें अभी रिसेंटली रूट्स आए हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा हैवी रेनफॉल ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो भी जैसे फर्टिलाइज़र या जो भी होता है जो मिट्टी में देना होता है वो आप ज़रूर दें, एवरी 15 या 30 डेज़ में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। तो मानसून या रेनी सीज़न आने के पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा और इसे फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको एक बार सारी चीज़ें फिर से बता देता हूँ कि जब भी रेनी सीज़न आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्लांट्स को किस तरह से केयर और मेंटेन करना है। स्पेशली ऐसा प्लांट्स जो पॉट्स में होते हैं और हमारे ऐसे रूफटॉप गार्डन या बालकनी में होते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें एक वेल ड्रेनिंग सॉइल की ज़रूरत है। उसमें मैं 80% ऑफ सॉइल एंड 20% ऑफ सैंड सजेस्ट करता हूँ। अगर आपका ये वेल ड्रेनिंग सॉइल होने के कारण बावजूद भी अगर पानी जम जाता है किसी भी पॉट में, तो आपको नीचे का ड्रेनेज होल चेक करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे मौसम में दो प्रॉब्लम्स प्लांट्स में बहुत आती है, एक है रूट्स रॉट की प्रॉब्लम आती है, फंगस का प्रॉब्लम होता है, और सेकंड है इंसेक्ट का प्रॉब्लम होता है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें एक फंगिसाइड देना है जो आप पाउडर बेस लीजिएगा और खाली किसी भी पॉट के ऊपर में आप छिड़क दीजिएगा। जैसे ये मेरा एक पॉट है, इसमें पानी जम गया था अभी, तो इसमें जस्ट ऊपर से आप यहाँ ऊपर में पाउडर बेस फंगिसाइड आप छिड़क दीजिएगा। और अगर आपको इंसेक्टिसाइड का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा किसी भी स्प्रेयर का मदद से आप जस्ट इस पे जहाँ पे भी एम्फिड्स है तो आप थोड़ा सा ऐसे स्प्रे कर दीजिएगा। बस ये दो चीज़ें आप कीजिएगा। हाँ, इंसेक्टिसाइड के लिए आपको 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 कैप ऑफ नीम ऑयल एंड 1 कैप ऑफ माइल्ड सोप सोल्यूशन देना है, और ये आपको तब देना है जब बारिश रुकी हुई हो और अगर पॉसिबल है कि पॉट्स को किसी शेडी एरिया में या किसी छाव के अंदर ला सकते हैं तो उसे ला के आप स्प्रे कीजिए। इसके अलावा आप पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा प्लांट्स में, तब तक मत दीजिएगा जब तक ऊपर का टॉप लेयर सूख नहीं जाता है या प्लांट्स की पत्तियां ड्रूप होना शुरू होने जाती हैं। कुछ प्लांट्स को आप पहले से ही शेड में रखिएगा, स्पेशली जो सैपलिंग्स, सीडलिंग्स या फिर किसी तरह के कटिंग्स है। तो आप अपने प्लांट्स को या अपने गार्डन को किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।